Hello friends, myself Nicholas and welcome to Chhattisgarh Agri Spartan. Today in this video we will see important national and international agriculture institutions. Institution of Chhattisgarh, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Bijnor ne 1987 ko establish kiya gaya tha aur vartaman mein isse affiliated 31 agriculture, horticulture and agriculture engineering college Chhattisgarh mein sanchalit hai, jinme se 16 government college और 15 प्राइवेट कॉलेज हैं। 16 गवर्नमेंट कॉलेज में से 12 गवर्नमेंट एंड 9 प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज है, 2 गवर्नमेंट एंड 4 प्राइवेट हॉर्टिकल्चर एंड 2 गवर्नमेंट एंड 2 प्राइवेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है। 8 छत्तीसगढ़ में 8 एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, वर्तमान में 19 के वी के संचालित है। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट 2012 में रायपुर में इस्टेब्लिश किया गया। छत्तीसगढ़ में 8 एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है जो कि इस प्रकार है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर रायपुर, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बिलासपुर, तीसरा है राजमोहनी देवी एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर अंबिकापुर, चौथा है शहीद गुंडाधुर एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जगदलपुर, पाँचवा है संत कबीर एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कवर्धा, छठवा है DKS एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर भाटापारा जो कि ब्रदरबाजार डिस्ट्रिक्ट में आता है, और सातवां एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर रायगढ़, आठवां है पोटैटो रिसर्च सेंटर मैनपॉट जो कि अंबिकापुर में है और ये 2014 में बना है। सत्ताईस जिलों में से 19 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है जो कि इस प्रकार है, रायगढ़ बिलासपुर जांजगीर चांपा कांकेर कोरबा राजनांदगांव महासमुंद धमतरी कवर्धा भाटापारा जो कि बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में है, गरियाबंद बस्तर बीजापुर दंतेवाड़ा नारायणपुर बलरामपुर जसपुर कोरिया एवं अंबिकापुर है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों सुकमा कोंडागांव बालोद रायपुर बेमेतरा मुंगेली एवं सूरजपुर में भी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए ICAR को प्रस्ताव भेजा गया है। इंडिया में 73 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी संचालित हैं जिनमें से स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 62, 2 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 5 डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड 4 यूनिवर्सिटी विथ एग्रीकल्चर फैकल्टी है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड 6 नेशनल ब्यूरो हैं, पहला नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो कि न्यू दिल्ली में है, दूसरा नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मऊ उत्तर प्रदेश में है, तीसरा नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है, चौथा है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, पाँचवा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स जो कि करनाल हरियाणा में है एंड छठवा है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। रिलेटेड 14 डायरेक्टरेट बनाए गए हैं जो कि इस प्रकार है, पहला है डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, दूसरा है डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, तीसरा है डायरेक्टरेट ऑफ सीड रिसर्च जो कि मऊ उत्तर प्रदेश में है, चौथा है डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च जो कि जूनागढ़ गुजरात में है, पाँचवा है डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च जो कि भरतपुर राजस्थान में है, छठवां डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च जो कि सोलन हिमाचल प्रदेश में है, सातवां डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, आठवां डायरेक्टरेट ऑफ कैसू नट रिसर्च जो कि पुत्तर कर्नाटका में है, नौवां डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च जो कि आनंद गुजरात में है, दसवां है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, ग्यारहवा है डायरेक्टरेट ऑफ वीट साइंस रिसर्च जो कि जबलपुर एमपी में है, बारहवा है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूड एंड माउथ डिसीज जो कि मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है, तेरहवा है डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री रिसर्च जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, चौदहवा है डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर जो कि न्यू दिल्ली में है। ICAR के अंडर 62 रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि इस प्रकार है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक ओडिशा में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो कि कानपुर यूपी में है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि राजमुंद्री तेलंगाना में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च जो कि लखनऊ यूपी में है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स ये जो कि वेस्ट बंगाल में है, इंडियन ग्रास लैंड एंड फादर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी यूपी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ यूपी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी यूपी, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कशरगोड केरला, सेंट्रल ईस्टलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कालीकट केरला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून यूके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल एमपी, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन्स पटना बिहार, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद तेलंगाना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पणजी गोवा, आईसीआर रीजन कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन बारापानी मेघालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट मालेगांव महाराष्ट्र, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल एमपी, एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स रांची झारखंड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलोर, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इजाटनगर यूपी, सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचिन केरला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी यूपी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैज रिसर्च न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ली रिसर्च करनाल हरियाणा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ यूपी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज भोपाल एमपी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर छत्तीसगढ़। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी कोलकाता, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर राजस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स मथुरा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोस हिसार हरियाणा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची झारखंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मेरठ यूपी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च वेस्ट गोदावरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर एमपी, सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, विवेकानंद पार्वती कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोरा उत्तराखंड। चौदह नेशनल रिसर्च सेंटर है जो कि इस प्रकार है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची मुजफ्फरपुर बिहार, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तमिलनाडु, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट सोलापुर महाराष्ट्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस अजमेर राजस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्चिड्स पोक्योंग सिक्किम, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर राजस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स हिसार, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट हैदराबाद, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग गुवाहाटी असम, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक वेस्ट अरुणाचल प्रदेश, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन नागालैंड, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मनीला फिलीपींस में है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैज एंड वीट जो कि मेक्सिको में है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो कि लीमा पेरू में है, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो कि रोम इटली में है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जिसको साठ में क्रिसेट बोला जाता है जो कि आंध्र प्रदेश में है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज जो एलेप्पो सीरिया में है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर काली जो कि कोलंबिया में है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इबादा नाइजीरिया में है, वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सेंटर जो कि नैरोबी केनिया में है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च बोगोर इंडोनेशिया में है, इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि कोलंबो श्रीलंका में है, इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नैरोबी केनिया में है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर लाइविंग एक्वेटिक रिसर्च मैनेजमेंट जो कि मनीला फिलीपींस में है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए में है, इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि दी हॉग नीदरलैंड में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा एंड स्विट्जरलैंड में है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर अगेन रोम एंड इटली में है, द वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है।